तू लड्डू अपना यहां पे ये बहुत ही गर्म होता है देखो भाई संजू भाई स्टार्ट हमारी मिर्च मत डाल यार खा ले मुझे खास पसंद नहीं यार। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। तो आज है मेरी छुट्टी, तो मैंने बना ली है दो छुट्टियां और संजू का बहुत मन था कि उसको कहीं घूमने जाना था, तो मैंने अपना माइंड फ्रेश करने। अच्छा, तो बेचारी बग्गू बोल रही थी कि मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो, तो मैंने सोचा कि आज मेरी छुट्टी है तो बग्गू को बढ़िया से चंडा घुमा के लाते हैं, कुछ खिला के लेके आते हैं। तो ये देखो बेचारी कब से एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे घुमाओ मुझे घुमाओ, तो कभी ये बेचारी कहीं जाती नहीं कॉलेज के अलावा। तो आज भग्गू और मैं जा रहे हैं डेट पे, तो मिलते हैं आपको चंडा की वादियों में। अभी हम जा रहे हैं स्कूटी लेने, ये दौड़ी इसको इतना एक्साइटमेंट हो गया कि दौड़ते हुए निकल लिया। ये देखो ये संजना को मैंने पूछा कि किधर जाना है, पहले ये चंडा घूर थी, उसका कहना है कि ये सन एंड वाटर रिजॉर्ट जाएगी तड़ी गाँव जाएगी अब ये। तो हम लोग हो गए कन्फ्यूज और हम लोग कहाँ जाएँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तो दोनों जगह जा रहे हैं। संजना हमें फाइनल बताएगी कहाँ जाना है, बता कहाँ जाएगी। मुझे जाना है तड़ी गाँव, तो संजना को ले चलते हैं तड़ी गाँव, क्योंकि संजना आज मेरे साथ डेट पे आई है। तो संजना की सारी ख्वाहिशें पूरी करने का मेरा अधिक वो है, क्या क्या बोलते हैं कुछ बोलते हैं हाँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संजना की आज ख्वाहिशें पूरी करूँ, क्योंकि दोस्तों के साथ तो सभी लोग जाते ही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी लोग जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो संजू को लेके चलते हैं हम फटाफट से तड़ी गाँव सन एंड वाटर रिजॉर्ट, क्योंकि इसने सिर्फ वीडियोज़ देखी थी वहाँ की, वो भी मेरी देखी थी, तो इसको मन था वहाँ जाने का। तो चलिए चलते हैं वहीं की ओर, तो अब चले हम तड़ी गाँव की ओर। और ये मेरी दोस्त है दीक्षा। दीक्षा तू ये वीडियो देख रही, तू देख रहे थे दोस्त तेरे को क्या बोलती है। तो आज मैंने अकाउंट में चेक किया तो मेरी सैलरी भी आ गई थी, तो मैंने सोचा संजू को लेके चलते हैं पार्टी कराने। तो आज मेरी इस महीने दो सैलरी आ गई है, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग पे। और देख सकते हो यहाँ पे इतनी प्यारी सी सीनरी, एकदम ऐसा लग रहा है बंजर भूमि है, और यहाँ पर इतने सारे मकान भी बन रहे हैं, आप देख सकते हो पहाड़, और इतने प्यारे प्यारे से पहाड़। मंजिल की ओर जो है तड़ी गांव में सन एंड वाटर रिजॉर्ट। मुझे बिरयानी काफ़ी पसंद आई, वहाँ पे नब्बू को काफ़ी बिरयानी पसंद है सन एंड वाटर की, और संजू को भी ले चलती हूँ, और आज मैं भी चलती हूँ। देख सकते हो यहाँ कितने प्यारे प्यारे से नज़ारे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे स्कूटी और बाइक में मतलब घूमने का बहुत शौक, घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, कार में बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे, बाकी बेचारे को बस मुझे कार में मतलब वहाँ से मैं मेरी जब भी छुट्टी होगी तो बग्गू को लेके चलेंगे हम वहाँ, बस मुझे स्कूटी और बाइक में घूमने की शौक है। दोस्त इसको संजना बोलते हैं, हम घर पे इसको बग्गू बोलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं तड़ी गाँव, और ये इतना प्यारा सा गाँव, देखो यहाँ के नज़ारे, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग बन रखी है यहाँ पे। तो ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ के इतने प्यारे प्यारे नज़ारे। ये पहुंच गए हम सन एंड वाटर रिजॉर्ट में, इसका नज़ारा कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो। ये पहुंच चुके हैं हम सन एंड वाटर रिजॉर्ट। तो संजना पहली बार आई है हमारी बग्गू, तो ये देखिए आजकल स्विमिंग पूल भी फुल है एकदम। बग्गू कैसा लग रहा है? अच्छा, तो ये देखो बेचारी हमारी बग्गू, ये है हमारा। तो ये देखो संजू अब देख रही है हमारी मेन्यू कार्ड, बताओ संजना क्या खाओगी आज। बाल देखो इसके गाइस उड़ के स्कूटी पे उड़ गए, आज इसको खिलाते हैं हम इसकी पसंद की चीज़ें। हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, अब मैं संजू को थोड़ा सा घुमाती हूँ, यहाँ घुमाती हूँ संजू को कि क्या क्या है, कैसा है और क्या नहीं है। तो देखो अभी देखो स्विमिंग पूल यहाँ का सबसे अच्छा, मुझे ये स्विमिंग एक सेकंड में दिखाती हूँ आप लोग कुछ, आप लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये देखो ये है स्विमिंग पूल, और संजू का काफ़ी मन था यहाँ आने का, ये देखो अरे अरे अरे। तो ये देखिए
ये रहा वो सन एंड वाटर रिजॉर्ट, और अंदर आप लोग बैठ सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप धूप में भी बैठ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। और पीछे से आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखेगी, ये देखिए जंगल के बीच में बनाया गया ये रिज़ॉर्ट जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए, और यहाँ कॉटेजेस भी है, ये देखो हट बनाए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे हार्ट बनाया है, यहाँ पे स्टार बनाया है, यहाँ पे आप लोग फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए संजना, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत मस्त, बढ़िया बढ़िया। हाँ तो संजना के लिए क्या मंगाया हमने बताओ? सेजवान नूडल्स। संजू के लिए मंगाया है सेजवान नूडल्स, और मेरे लिए मंगाया है चिकन दम बिरयानी। और ये देखिए ये स्विमिंग पूल है, आज तो पानी बिल्कुल ही ऊपर तक भरा हुआ है। ये देखो ठीक लग रहा है, बढ़िया बढ़िया अच्छा लग रहा है। तो और आगे को घुमाते हैं, तब तक हमारा ऑर्डर बनने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ और सारी चीज़ें यहाँ पिथौरागढ़ करके हैं उनको पता ही होगा, लेकिन जो बाहर के हैं उनको भी मैं दिखा देती हूँ यहाँ घूमने वाली जो चीज़ जगह है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कोई पिथौरागढ़ में घूमने वाली जगह बताइए। स्टार्ट कर देती हूँ, ये है गेट, यहाँ से एंट्री है, और फिर आते ही आपको मिलेगा स्टार, वहाँ पर है स्विमिंग पूल, और ये है रहने को होटल, आप लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जंगलों के बीच में, और संजू चली हमारी हट की तरफ। ये देखो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, जैसे आप लोग दोस्तों का ग्रुप है पार्टीज़ वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग आके अंदर कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा, और एक दो कितने बनाए यहाँ पे, तीन तीन बनाए गए हैं यहाँ पे हट। और ये देखो, और ये संजू देखो आज घूम रही है। हाँ खेल खेल तू खेल उस पर पता नहीं। ये देखो यहाँ पे ये भी बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, पता नहीं मेरे जंप करने से फट न जाए ये। ये देखो हाँ ये देखिए बढ़िया हवा चल रही है पे। आप लोग को दिखा दिया है होटल, अगर आप लोग को किसी को आना है जो पिथौरागढ़ से नहीं है या जो पिथौरागढ़ में भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आए नहीं इधर पे, तो जिसको स्विमिंग मतलब स्विमिंग करने का पसंद है तो वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ में स्विमिंग पूल बहुत कम है, तो जिनको स्विमिंग करना है तो वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये है वहाँ पे लिखा है सन एंड वाटर रिजॉर्ट, और ये देखिए जो कि पूरे जंगल के बीच में, इस साइड पे ये पूरा जंगल है, और ये है तड़ी गांव, गांव में गांव के बीच में बनाया गया है, मतलब ये तो हर जगह जाके बैठ रही है। तो बग्गू को बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, देखो और आना चाहेगी दोबारा यहाँ पे। अब मैं तेरे साथ तो संजू का कहना है कि अब मैं इसकी मैं नब्बू के साथ आते रहूँगी। ये देखो यहाँ पे आप बर्थडे बना सकते हैं। क्या बोला? जब जब तेरी छुट्टी होगी तब तक आऊंगी, तब तब आएगी। ये बताओ जब जब छुट्टी होगी तब तब आएगी। तो ये देखिए, और ये रहा पूल जो कि, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है ना दिक्कत, दिन में यहाँ पे नहाएगा कैसे आदमी, क्योंकि सारे लोग इधर बाहर पे खाना खाते हैं। तो ये देखिए खाना अंदर ही खाएंगे, बाहर धूप लग रही यार गई नहीं। तो ये देखिए नीचे खेत वगैरह भी है। ये देखो ये वैसे एक गांव है, गांव के बीच में बना है ये। बग्गू के सेजवान नूडल्स आ गए गाइस, ये देखिए लजीज लजीज, इसको बहुत पसंद है सेजवान नूडल्स। तो संजना स्टार्ट करो बेटा, करते हैं। इसके मुंह पे पानी आ गया है। स्टार्ट कर ले यार। तो ये देखो भाई संजू हो गई स्टार्ट हमारी, मेरे लिए मत डाले यार, खा ले। मुझे खास पसंद नहीं यार, मैं बहुत दिनों से नूडल्स खा रही हूँ। ये देखो संजना फिर से आना चाहोगी मेरे साथ डेट पे? तो ये देखो आज बग्गू को लेके आई हूँ मैं, और बग्गू काफी टाइम से चाह रही थी यहाँ पे, बताएगी कैसा है टेस्ट में। और कितना चम्मच घुमाएगी ये देखो, बताओ कैसे है सच में या खाली बोल रही है? कसम खा, तो मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ गाइस कि कैसा है, ये झूठ तो नहीं बोल रही है। देखते हैं फटाफट से खाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं घर को। शायद हम लास्ट टाइम बग्गू और मैं साथ में, एक साल हो गया ना जब हम चंडा गए थे, चंडा गए थे तब एक साल लगभग हो गया है। अभी उसके बाद दोबारा इतने टाइम बाद आए, मतलब अकेले बाकी फैमिली के साथ हम लोग जाते रहते हैं, बट संजू और मैं सिर्फ हम दोनों ही अकेले बहुत टाइम बाद आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे संजू।
तो बैकग्राउंड में चल रहे हैं गाने और आ जाएगा कॉपीराइट, तो इसलिए मैंने वहाँ से कर दिया म्यूट और मैं दे रही हूँ वॉइस ओवर। तो ये है दम चिकन दम बिरयानी। तो इधर पे मैंने पहले भी खाई है बट आज थोड़ा अच्छे वाले स्टाइल से दे दिया है, पहले भी बहुत टेस्टी थी तो मैंने सोचा दोबारा कर लेते हैं टेस्ट। तो मुझे यहाँ की चिकन दम बिरयानी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है, तो फिर मैं इसलिए जब भी इधर आती हूँ तो ये खाती हूँ। थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे लिए, क्या तो ये है मेरा फेवरेट चिकन दम बिरयानी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे सन एंड वाटर रिजॉर्ट की। और पहले मुझे 9060 कैफ़े की पसंद थी बट मैंने जब से यहाँ की खाई तो फिर उसके बाद मुझे ये ही फेवरेट है। तो मैं आप लोग को भी बोलूँगी जो नॉनवेज लवर है, जिनको नॉनवेज खाना पसंद है, जिनको चिकन पसंद है, तो वो लोग एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ तो रोज़ घूमने ही जाने वाली हूँ, एक एक हफ्ते की छुट्टी ले लूँगी मैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे मस्त मस्त व्लॉग बनाने और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग के सामने रखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। ये देख सकते हो इसने कितना खा लिया है। तो खा पी के हम लोग हो गए हैं बढ़िया सेट, अब हम चलेंगे घर को और घर चलते जाने का मन नहीं रही, धूप में बैठे रहने का मन है। तो संजू को यहीं बिठा देते हैं हम लोग और मैं चलती हूँ घर को और बढ़िया घर पे जाके हम मस्त अभी रास्ते में इसको थोड़ा बिठाऊंगी घुमाऊंगी और थोड़ा स्कूटी भी चलाऊंगी मैं। है नहीं नहीं ये खतरा मैं नहीं मोल दे सकती हूँ। और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ पेंटिंग वगैरह बनाई गई है तो बहुत ही मस्त है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड वॉल्स पे कितनी बढ़िया पेंटिंग की है। ये लड़की मैं हूँ ये पेंटिंग करी है और ये है भग्गू और ये कुत्ता कौन है बताओ। ये पेंटिंग करी है मेरी दोस्त दीक्षा ने, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ये देखो नब्बू स्कूटी निकालने जा रही है और मैं यहाँ पे गेट पे इसका वेट कर रही हूँ। बल्ले बल्ले कभी ना तो कहीं पे भी डांस निकल जाता है भाई। थोड़ा सा हैंड वॉश करूंगी, मेरे हाथ में कुछ दिक्कत हो गई है शायद। और ये है बिल, क्यों तो बिल दिखाई तो क्या वो लोग बिल देने वाले हैं तेरा? सब लोग एक एक रुपए जीपे करेंगे तो हो जाएगा। इसका नया दांत आ रहा है तो इसको दांत दर्द हो रही है। चले घर की ओर। तो आज मैं अपने ब्लॉग में कहना चाहती हूँ, आज मैं टू व्हीलर में चल रही हूँ, एक दिन मैं अपने पैसों पे अपने दम पे फोर व्हीलर निकालूंगी और इस दिन बनाऊंगी एक मस्त सा व्लॉग। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम क्या काफ़ी टाइम है, धीरे 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 करके थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए। थोड़ा सा मैं अपनी जॉब से करूँगी और बाकी एक दिन मस्त सी बढ़िया सी फोर व्हीलर गाड़ी निकालनी है गाइस। अब हम निकल चुके हैं घर की ओर और नब्बू हर संडे मुझे अब लाएगी। आप बताओ कि इसे लाना चाहिए या नहीं? नहीं मैं जवाब बताओ गाइस सभी लोग, यस और नो में जवाब देना कि इसे मुझे लाना चाहिए या नहीं। अच्छा बकू सोच रही है हर संडे को या हर छुट्टी को? हर छुट्टी में, और ठंडा इतना हो रहा है और पीछे वाली पहाड़ियों में बर्फ पड़ी आप देख सकते हो, तो ये झूठ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बर्फ ही नहीं पड़ी। जाके घर जाएंगे और उसके बाद हमने जाना है धारे, धारे पानी भर में जाना है फटाफट। और यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है और इस पीछे की ओर धूप पड़ी है, ये जंगल के टॉप पे पड़ी है बर्फ।
और घर जाके हम जाएंगे धारे, तो आपको मिलते हैं सीधे घर जाके। फटाफट से स्कूटी रखते हैं और चलते हैं जार पकड़ के धारे की, धारे की ओर, और हम चले। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग, बने रहिए नवीना के ब्लॉग पे। धन्यवाद, अलविदा लेते हैं। बाय।